शिवपुरी शहर के प्यासे कंटों की प्यास बुझाने वाली योजना का बजट 1 अरब रुपए से ऊपर चला गया है, लेकिन शिवपुरी शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कुछ दिन पूर्व ही जिले वासियों के स्वास्थ्य पर गौर करते हुए समस्त नगरीय और ग्रामीण इलाकों के अधिकारियों को स्वच्छ पानी की सुचारू व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर के निर्देश के भी कोई असर नहीं दिख रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा और नगर पालिका चुनाव में गौशाला में रहने वाले लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, जिस पर जिला प्रशासन और नगर पालिका जिम्मेदारों ने क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करने की बात कही थी, लेकिन चुनाव के बाद भी किसी भी वादे पर अमल नहीं किया गया। अब सवाल यह उठता है कि शहर में सिंध जलवर्धन योजना लागू होने के बाद भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, तो यह जवाबदारी किसकी है? अभी आपके ध्यान में रहे, यदि गंदा पानी है तो गंदा पानी उसका जांच भी होना चाहिए। कई बार उससे टाइफाइड कई बीमारी होती है, ठीक है। और ये चीजें कई जगह के संदर्भ में ये बात कहीं ना कहीं से पुष्टि भी हो जाती है कि क्या हो रहा है। तो इसको देखो, जिनको दिक्कत है तो पानी में मतलब कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। लापरवाही यदि करोगे तो फिर पनिश हो, ठीक है। तो वो किसी दूसरे पे मत छोड़िए कि उसका काम है। आपको बता रहे सीएमओ पर्सनली जिम्मेदार है कि वो क्या कर रहे हैं पानी में। और आप लोग सभी, आप जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एसडीओ जो भी हो, आप सभी इसी को इंश्योर करोगे कि सही सही पानी सबको पहुंच रहा है। और कैसे चांद चांद के रात को थोड़ा बहुत भर जाता है, सुबह लगा लेते हैं पानी इसमें। आपकी कॉलोनी में मकान बहुत ज्यादा मकान है, बहुत परेशानी आती है, इसमें बोर खराब डली। और जो आप वो गड्ढे वड्ढे खोद के पानी वो वहाँ पे वो भी सूख गए।